हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज वीडियो लेके आई हूँ एचपी करंट अफेयर से रिलेटेड, जो 2021 के करंट अफेयर हैं। तो इसमें जो है दो तीन वीडियोस डालूंगी अभी तक की, जनवरी और फरवरी की। तो बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे, मैम आपने करंट अफेयर नहीं डाले, तो वो डालूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जो भी स्कीम्स हैं, जो भी हिमाचल में न्यू हो रहा है, वो इस वीडियो में आप जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक करें, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप मिस ना कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार नेशनल U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये U20 है, नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट। तो ये किया गया है लाहौल स्पीति में, 27 जनवरी में काजा में हुआ है मेनली। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में कहाँ हुआ है? काजा में हुआ है। और ये जो वहाँ पे आइस हॉकी रिंक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आइस हॉकी रिंक है, जो कि 3,720 मीटर अबव सी लेवल है, तो वहाँ पे जो है ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कई बार ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, डेट पूछी जा सकती है, और डिस्ट्रिक्ट पूछी जा सकती है, प्लेस पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में कौन सा स्टेटहुड डे या राज्यत्व दिवस मनाया? तो आपको पता है कि जब हिमाचल बना था 25 जनवरी 1971 को, जो है ये पूर्ण राज्य बना था, ये तो सभी को पता है। तो तब से जो है हम स्टेटहुड डे जो है मनाते हैं, और उस टाइम जो है 18 स्टेट बनी थी, ये 18वीं जो राज्य था वो बना था। तब से लेके अब तक, मतलब 25 जनवरी 2021 तक जो है, अभी हमने 50वां या 50th जो है ये स्टेटहुड डे जो है अभी मनाया है, या आप बोल सकते हैं गोल्डन जुबली मनाई है हिमाचल प्रदेश ने इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो आपको पता लग गया कि पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन है जो चल रहा है, और उसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। और ये चलाने का मोटिव क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे युवक हैं, वो अपनी प्रतिभा, जो अपना टैलेंट है, उसको प्रदर्शित कर सके। मतलब आप ऑनलाइन जो है रेडियो स्टेशन पे आके जो भी आपकी टैलेंट है उसको आप दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जो हिमाचल की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन का मतलब होता है बर्ड्स, तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। तो अगर आपको ऐसे नाम नहीं पता, तो आपने ये तो सुना होगा कि बर्ड फ्लू जो है हिमाचल प्रदेश में फैला था। कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? ये कांगड़ा से फैला था। कहाँ पे फैला था? जो हमारा पोंग डैम है, जो पोंग बांध है, वहां से फैला था। और इसमें जो है 3,000 माइग्रेटरी बर्ड्स जो है अभी तक मर चुके हैं, मतलब अभी अब भी हो चुके हैं, 3,000 से अब ही हैं जो माइग्रेटरी बर्ड मर चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोंग बांध से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, कि जो पोंग बांध है वो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के अंडर आता है। मतलब कि रामसर वेटलैंड कन्वेंशन है क्या? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे माइग्रेटरी, मतलब बहुत सारे, चाहे साइबेरिया से बर्ड्स आ रहे हैं, कहीं से भी अलग अलग जगह से जो है बर्ड्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो वहाँ की जो जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से फेवरेबल है कि बर्ड्स जो है सरवाइव कर पाते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो पीने को लेकर हो, मतलब हर तरह की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती है। तो वहाँ पे पोंग बांध जो है, वहाँ पे बहुत सारे, हर साल जो है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको रामसर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 2002 को। एक्चुअल में रामसर है क्या, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन है क्या? रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर, जो ईरान है, आपने सुना होगा ईरान,
वो जो है रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, ठीक है। उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम रामसर कन्वेंशन जो है ये ईरानी शहर ने अपनाया था, और भारत में जो है इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया था। और इस टाइम पे भारत में जो है 42 रामसर स्थल है, 42 रामसर स्थल है, मतलब ऐसे प्लेस है जो कि फेवरेबल है और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है हर साल आते हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पोंग बांध को कब जो है ये घोषित किया गया था, 2002 को, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया? स्नो फेस्टिवल तो ये है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा? तो ये है 5 जिलों में लगाया जाएगा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति। मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब आपको जो है अब जैसे आपको पता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े रहते हैं, चालान वगैरह काटते हैं, तो वो आप पूरी तरह से स्मार्ट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी मतलब ट्रैफिक रूल तोड़े हैं तो आपके घर पे ही चलान आएगा, मतलब वही जो आपके कैमरे वगैरह लगते हैं वो सारा कुछ जो है अब शुरू हो जाएगा। तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बने जाएगा और पहले जो है इन जो डिस्ट्रिक्ट में है वो लागू होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान या एशिया फर्स्ट माउंटेन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह है शिमला डिस्ट्रिक्ट और चूड़धार क्षेत्र में। तो आपके पास जो है दो ये बताए हैं, चूड़धार एरिया और शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो कई बार ऑप्शन में सिर्फ चूड़धार एरिया ही दिया होगा और कई बार शिमला डिस्ट्रिक्ट और कई बार दोनों दिए होंगे, तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे। बोथ ऑफ दीज पे आप लगा सकते हैं टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड डॉपलर वेदर रडार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुफरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये रडार जो है आपको पता है वेदर से रिलेटेड है, मतलब कि मौसम की जानकारी दे रहा है, ऑब्वियस है। तो ये रडार जो है जहां पे लगाया गया है, मान लो कुफरी में लगाया गया है, तो कुफरी से जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है किसी भी डायरेक्शन में, उसके सारे की इंफॉर्मेशन ये देगा। और इसका उद्घाटन जो है ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट एनडीआरएफ बटालियन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये है बलहा में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी के बलहा में जो है ये स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना के लिए 6388 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है? तो ये है HP शिवा प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म क्या है HP शिवा की? HP सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। तो ये है फुल फॉर्म। ये मेनली जो बागवान है उनके लिए है, जो मतलब बागवान कौन से होते हैं, जो अपनी फ्रूट्स की बागवानी करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित करना, और बागवानों को लोन भी दिया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है फ्रूट्स पे फ्रूट उगा सकें, बेच सकें, और एक तरह से उनकी मदद भी हो जाएगी, वो आर्थिक तौर से भी समृद्ध होंगे, और दूसरा फायदा ये है कि प्रदेश भी जो है फल राज्य के रूप में विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है, 2023 तक हिमाचल प्रदेश में कितने स्वच्छता कैफे स्थापित किए जाएंगे? तो ये है 100। स्वच्छता कैफे है क्या? इसका मेन एम जो है वो पूरी तरह से जो हमारी प्लास्टिक है, जो हमारी पॉलीथीन है, उसको खत्म करना है, ठीक है। और पहला जो स्वच्छता कैफे है वो एस्टेब्लिश हुआ है सोलन के नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और 2023 तक हिमाचल का मोटिव है कि 100 स्वच्छता कैफे जो है लगाए, स्थापित किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित क्षेत्र या बेस्ट मैनेज्ड प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया कौन से होते हैं, जैसे नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, जहाँ पे जो है बिल्कुल जो प्रोटेक्टिव एरियाज होते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित क्षेत्र का खिताब किसको मिला है? ये मिला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को,
और सेकंड है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने ये सुना ही होंगे तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन दोनों को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है प्रोटेक्टेड एरिया का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला शी हॉट, शी मतलब SHE हॉट, कहाँ पर स्थापित किया गया है। शी का मतलब क्या होता है, लेडीज, गर्ल्स के लिए यूज होता है ना। तो पहला शी हॉट जो है सिरमौर के बाग पशोग पंचायत, वहां पे स्थापित किया गया है। तो जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, शी मतलब लेडीज। तो ये पूरी तरह जो है इसके अंदर जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो सारी की सारी लेडीज ही हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये चलाया जाएगा। और ये ना केवल हिमाचल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एक पहला ऐसा शी हॉट है जो पूरी तरह से लड़कियों या लेडीज के द्वारा चलाया जाएगा, जो सिरमौर में है, बाग पशोग पंचायत में है। तो डिस्ट्रिक्ट या प्लेस का नाम पूछा जा सकता है और इसका मेन उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण है, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस संस्था को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया। तो ये है NICHP, NIC की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो इसको जो है बेस्ट डिजिटल अवार्ड इंडिया अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इनके द्वारा जो है जो COVID-19 है, COVID-19 की सैंपल कलेक्शन के लिए इन्होंने जो है एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। तो उसके लिए जो है मतलब जो अभी पैंडेमिक हुई थी उनमें जो है इनका मेन रोल था, तो इसलिए जो है NICHP को जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। प्लास्टिक पार्क तो ये है नालागढ़ में बनाया जाएगा, जहाँ पे अभी मैंने बताया आपको स्वच्छता कैफे भी वहाँ पे ही बना है नालागढ़ में। तो मेन एम यही है प्लास्टिक को जो है इराडिकेट करना, प्लास्टिक को ख़त्म करना। प्लास्टिक पार्क जो है वहाँ पे बनाया जाएगा नालागढ़ में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन में टिक कर दें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।